हेलो एंड वेलकम टू यूवास, लेट्स कमेंस टुडेज क्लास। सभी प्यारे साथियों का वेलकम है, आई हेल यू एट यूवास। जो भी हमारे साथी इस क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं, सभी का वेलकम है। तो देखते हैं हमारे बीच में कौन कौन से साथी ज्वाइन कर चुके हैं। हाँ, ज्वाइन क्लास का ऑप्शन आपके पास आता है, और कभी अगर नोटिफिकेशन ना आए तो आप अपने कोर्स में जाकर के भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए एक बार कंफर्म करें, आर यू गेटिंग माय वॉइस प्रॉपरली, एम आई ऑडिबल टू यू ऑल। अवधेश कुमार जी, कीर्ति शुक्ला जी, सावित्री सिंह जी, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मे लॉर्ड कृष्णा ब्लेस यू विद सक्सेस इन द फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन। और अगर हम बात करें तो डू दाई ड्यूटी, रिवॉर्ड इज नॉट दाई कंसर्न, ये हमें सीखने को मिलता है लॉर्ड कृष्णा से। वास्तव में नो डाउट कि हम दिन में कई बार ये सोचते हैं कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आता है ख्याल। बट अगर मैं अपने गुरुजी की बात कहूं तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी, मैंने उनके सामने एक बार बोलते बोलते बोल दिया कि इस बार कभी सिलेक्शन की बात कर दी, तो वो कहने लगे कि तैयारी करिए तो सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा, सिलेक्शन के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, है बड़ी बात। ध्यान रखिएगा, जब आप पढ़ाई भी करते हैं और ज़्यादा सोचते हैं कि ये होगा कि नहीं होगा तो बड़ी प्रॉब्लम होती। मैं आपको बता दूं, जो भी हमारे हार्डवर्किंग साथी हैं उनको 2024 तक जॉब तो पक्का मिलने वाली है, क्योंकि 6000 कम नहीं होता, एलटी ग्रेड आ रही है, टीजीटी पीजीटी में ऑलरेडी आप एस्पायरेंट हैं, उसका एग्ज़ाम भी 3 से 4 महीने, बहुत खींच लो तो 5 महीने के अंदर हो ही जाएगा, मार्च के पहले हर हाल में एग्जाम हो जाएगा। तो ये आगामी वर्ष आपके लिए बहुत ही क्रिटिकल है और प्रेशियस भी है। अब आप इसे कैसे लेते हैं ये आपके ऊपर है, राइट। आज जो 10 PM की क्लास है वो नहीं होगी, इसीलिए हम लोग अभी मिले। आइए सीधे, लास्ट में मुझे अपना स्कोर बताना जरूर, और आइए सीधे चलते हैं हम लोग प्रैक्टिस की ओर। कोई विशेष बात रहे, किसी भी तरीके की कोई इंफॉर्मेशन है तो आप इसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले डायरेक्शन पढ़िए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है। पार्ट सॉन्ग फॉर सेवरल वॉइसेज विदाउट इंस्ट्रूमेंटल अकॉम्पनीमेंट, बैलड, मैड्रिगल, पैनगिरिक या लैमरिक। काफी अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर। अगर आप पैनगिरिक का मतलब नहीं जानते तो प्रशस्ति होता है, और अगर हम लैमरिक की बात करें तो ये ह्यूमरस 5-लाइन पोइम होती है। यहाँ पर हमारे जो भी प्यारे साथी बी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, दे आर एब्सोल्युटली राइट। और एक चीज और सुनिएगा, जिनका गलत हो रहा है उनको मैं हाईली रेकमेंड करूंगा लैंग्वेज प्रैक्टिस सेट 6000 MCQs। अगर आपने वो नहीं किया ना तो आपका लैंग्वेज वीक रह जाएगा, फिर मत कहना मुझे कि गुरुजी आपने बताया नहीं था। हमारा काम है बताते चलना, आपका काम है उसे फॉलो करना। बिल्कुल, अ पर्सन हु इज इन द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर एंड बाउंड टू सर्व हिम, हु इज द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, बॉन्ड्समैन, स्लेव, सर्वेंट, सबॉर्डिनेट। अजय जी बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, प्रवीण जी स्लेव, वॉइस तो एकदम बिल्कुल टनाटन आ रही है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना। मुझे चिंता रहती है कहीं ऐसा ना हो कि वॉइस कमजोर जा रही। अच्छा, यूट्यूब का जो डायरेक्टली जब लाइव रहता है तो उसमें थोड़ा वॉइस की प्रॉब्लम
होती है कभी कभी। द पर्सन हु इज द प्रॉपर्टी ऑफ अनादर एंड बाउंड टू सर्व हिम। तेजी से जवाब आना चाहिए और हमारे प्यारे साथी बी आंसर के साथ जा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है। क्या पता है? कि स्लेव मीन्स गुलाम होता है। क्या होता है जी? गुलाम। जो किसी की प्रॉपर्टी है, अगर व्यक्ति किसी की प्रॉपर्टी हो गया तो उसे हम स्लेव ही कहेंगे। क्यों जी, है कि नहीं? क्या बोलोगे? स्लेव। वेरी गुड। वो हमारे सभी साथी एक्टिव हो गए इस समय, है ना? चलो, बिल्कुल। अ परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, एल्यूजन, इल्यूजन, डिस्पेप्सिया, हलुसिनेशन। क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे। डिस्पेप्सिया तो अजीर्ण बीमारी होती है। अच्छा, अल्यूजन और इल्यूजन में कुछ लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं, है ना? अल्यूजन क्या होता है? किसी का जब हम इशारा करते हैं, इनडायरेक्टली संकेत देते हैं, और इल्यूजन भ्रम होता है। इल्यूजन भ्रम होता है। देखो, हमेशा ध्यान रखना, जब आपके सामने इल्यूजन ऑप्शन हो और हलुसिनेशन, तो हलुसिनेशन का मतलब होता है जहां पर मति भ्रम, वास्तविकता बिल्कुल नहीं होती है, और राइट आंसर डी होगा। और मुझे अच्छे से पता है कि जो विद्यार्थी इसे पहली बार पढ़ेगा ना, वो बी मारेगा, पक्का याद रखना। क्यों दीक्षित जी? आज तो अवकाश होगा ना। नेक्स्ट आइए। और जब मैं इंटरमीडिएट क्लास में था तो मिस्टर आरपी दीक्षित मेरे क्लास टीचर थे विद्या मंदिर में, और वहीं से मेरा वो टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि गुरु का ही सानिध्य होता है जो आपके जीवन में चेंज लाता है। क्वेश्चन नंबर 4। वन हु पजेजेज मैनी टैलेंट्स, वर्सेटाइल, गिफ्टेड, एक्सेप्शनल, न्यूबाइल। प्यारे साथियों, न्यूबाइल का मीनिंग तो आप जानते हो, यंग एंड सेक्सुअली अट्रैक्टेड। कोई ऐसी युवती जो यंग हो, यंग का मतलब यहाँ युवती, युवा अवस्था से है, और सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो, है ना, उसे आप न्यूबाइल बोलोगे। याद तो हो जाएगा, मुझे उम्मीद है। जिसमें मैनी टैलेंट हो माय डियर, उसे हम क्या कहते हैं? वर्सेटाइल बोलते हैं। कभी कभी हाँ, थम्सअप कर दिया करो अगर सही जाया करे, ठीक है? बहुत अच्छा। प्रतिमा सहगल जी एंड प्रभा शंकर दीक्षित जी ए के साथ जा रहे हैं। जो भी साथी ए ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, दे आर एब्सोल्युटली राइट। सबका नाम ले पाना एक बार में पॉसिबल नहीं होता, शैलजा जी, कीर्ति जी, लेकिन आप समझ जाया करिए कि आप मेरी नजर में हैं। अ पर्सन हु स्टडीड द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ। और इतने बार रिवीजन करवा दूंगा परीक्षा से पहले कि गलत होने का तो सवाल ही नहीं है। ऑनलाइन टेस्ट, लाइव क्लासेज, फिर हार्ड कॉपी, फिर मॉक टेस्ट। और देखो, मॉक टेस्ट के हार्ड कॉपी की चिंता ना करना, एग्जाम डेट आने दीजिए, आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है? वो टारगेट टेस्ट सीरीज है। अब इसका मतलब ये नहीं है, टारगेट का मतलब एग्जाम का टारगेट हमारा, ठीक है? मैं आपको हार्ड कॉपी अभी दे दूं, अभी पढ़ा के खत्म कर दूं, तो मुझे दूसरा बैच थोड़ी शुरू करना है। जब तक कि आपका एग्जाम नहीं होगा, तब तक टेस्ट सीरीज यही होगी। हाँ, ये उनका काम होता है जिनको एक के बाद दूसरा बैच लगाओ, मेरा तो इतने में बहुत है भैया, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा। टारगेट का मतलब यही होता है। जो फॉर्मेशन ऑफ अर्थ का अध्ययन करता है, वेरी गुड सावित्री जी, वेल डन, बहुत अच्छा। सावित्री जी को बहुत बार जब मैंने समझाया, तब इन्होंने ये पूछना बंद किया कि गुरुजी सिलेक्शन होगा कि नहीं। जियोलॉजिस्ट इज द राइट आंसर। अच्छा, एक आपके लिए और रेकमेंडेशन है, जो अदर अल्टरनेटिव्स रहे उन पर थोड़ा डिक्शनरी में काम किया करिए, डिक्शनरी लेकर के काम किया करिए, राइट? अब जैसे कोई क्वेश्चन पढ़िए, कोई नया वर्ड मिले तो उसे डिक्शनरी जरूर देखिए। लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो जो टॉपिक आ गया, मान लीजिए मिल्टन का क्वेश्चन आ जाए, तो मिल्टन की कम से कम देख लो डिटेल। जनरल अवेयरनेस एंड एजुकेशन फैसिलिटेट द ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स, क्रिएशन, रिक्वायरमेंट, अक्विजिशन, प्रोक्योरमेंट। सबका अर्थ लगभग एक जैसा है, प्राप्ति, है ना?
देखो एक बात बहुत सीधे सीधे समझाता हूं, जीवन में जन्म से लेकर के अंतिम समय तक जो कुछ भी हम हासिल करते हैं, इन द सेंस हम जो कुछ भी सीखते हैं, वो सब एक्विजिशन होता है। बात समझ में आई? सी इज द राइट आंसर। हमेशा याद रखिएगा, जनरल अवेयरनेस एंड एजुकेशन फैसिलिटेट द एक्विजिशन ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स, एंड द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द स्पीकर डिड नॉट प्रॉपरली यूज द टाइम एज ही वेंट ऑन ऑन वन पॉइंट अलोन, डायलेटिंग, डिवोटिंग, डेलिब्रेटिंग, डाइल्यूटिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, थैंक यू। देखिए हमारे जितने भी वेटरन साथी हैं, वो क्वेश्चन का लेवल तो तुरंत समझ ही लेते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये हमें खुशी होती है कि आप पहचानते हैं, आप जानते हैं। पहली स्टेप यही होती है कि आप समझें। कई बार तो एक दो वर्ष तक विद्यार्थी ये समझ ही नहीं पाता है कि उसे पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना है। आप देखना कभी है? जब आपकी काउंसलिंग हो, तो उस समय आप देखेंगे कि ज्यादातर लोग 40+ वाले क्यों सिलेक्शन में शामिल हैं। ऐसा नहीं, नए लोगों का भी होता है, फ्रेशर्स का भी होता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसलिए क्योंकि उनको टाइम लग जाता है पेपर को समझने में, नेचर को समझने में। माय डियर, हमारे जितने भी साथी बी के साथ जा रहे हैं डिवोटिंग, वो सभी के सभी गलत है। राइट आंसर इज डेलिब्रेटिंग। यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में हमारे विद्यार्थियों ने गलत जवाब दिया है। द स्पीकर डिड नॉट प्रॉपरली यूज द टाइम, इसलिए यहां हम थोड़ा टाइम देंगे। स्पीकर ने उचित तरीके से समय का प्रयोग नहीं किया, एज चूंकि ही वेंट ऑन। अब देखो डिवोट शब्द जो पॉजिटिव सेंस में आता है, और डेलिब्रेट मीन्स होता है विस्तार करके बताना, एक ही पॉइंट पर, वन पॉइंट अलोन वो विस्तार करता रहा। जब एक पॉइंट में विस्तार करेगा तो पूरी बात नहीं कह पाएगा। बोलिए ये बात है कि नहीं? क्वेश्चन से सेटिस्फाइड आप हुआ करें तो थम्स अप कर दिया करिए, सीसी लिख दिया करिए। इज इट क्रिस्टल क्लियर? बताएंगे सभी साथी, अब तो गलत नहीं होगा दोबारा। डाइल्यूट मतलब होता है पतला करना, कमजोर बनाना, वीकेंड। हाँ 100%, 100% अब की बार टीजीटी पार होना ही होना है भाई, तभी तो हम लोग लगे हुए हैं। अ नंबर ऑफ एडवांसेस इन मेडिसिन वुड हैव बीन सूनर इफ फ्री इंक्वायरी हैड बीन कॉमन एंड ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग हैबिट्स हैड बीन देयर, परसिस्टेड, इंडक्टेड, सिक्योर्ड, अचीव्ड। बहुत ध्यान से समझिएगा माय डियर, गलती करना गलत बात नहीं है, लेकिन दोबारा गलत ना हो। देखो समझने की बात यह है कि जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है, रूढ़वादी विचारधारा है, वो आदतें हैं, और मेडिसिन की अगर हम बात करें तो अ नंबर ऑफ एडवांसेज, एडवांसेज का मतलब प्रगति के कारण, मेडिसिन क्षेत्र में वुड हैव बीन। अब किसी चीज को हम प्राप्त करने के लिए क्या सिक्योर लगाएंगे या अचीव? मैं पूछता हूं आपसे, आप कहोगे कि गुरु जी क्या बात है, क्या बोलेंगे आप बोलेंगे कि गुरु जी हम अचीव्ड लगाएंगे क्योंकि उपलब्धि है ना। क्यों सीमा जी, ये सिक्योर वर्ड नहीं आएगा। सिक्योर्ड का मतलब तो होता है सुरक्षित करना, और जब हम कह रहे हैं कि एडवांसेज, एडवांसेज का मतलब है प्रगति के कार, अ नंबर ऑफ एडवांसेज इन मेडिसिन वुड हैव बीन अचीव्ड सूनर इफ, बहुत उपलब्धि हासिल कर ली गई होती जल्दी ही, यदि फ्री इंक्वायरी हैड बीन कॉमन, फ्री इंक्वायरी कॉमन हो जाए और ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग हैबिट्स को रेयर कर दिया जाए, यानी कि समाप्त कर दिया जाए। द राइट आंसर इज डी। इज इट क्लियर? सभी साथी बताएंगे। The final electoral rolls have been intensively revised through house to house. Investigation, enunciation, enumeration, documentation.
बड़े ही ध्यान से जब आप करेंगे और जो हमारे टारगेट टेस्ट सीरीज के विद्यार्थी हैं वहाँ पर इसका पीडीएफ भी अवेलेबल करवाया जाएगा अब से, जो हो गया है उसका नहीं, अब से इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा। सपोज दैट कुछ लोग प्रिंट आउट निकालना चाहें, अपने पास रखना चाहें नोट्स, तो उनका एक अच्छा नोट्स बन जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन नंबर 9, और हमारे विद्यार्थी उतना ही तेजी से जवाब करते हुए, इनन्सिएशन मतलब होता है प्रतिज्ञान करना और इन्यूमरेशन का मतलब होता है परिगणना। परिगणना तो यहां पर राइट आंसर सी होगा। हालांकि जो लोग 9 में बी लगा रहे हैं वो गलत हैं। क्वेश्चन क्या है? द फाइनल इलेक्टोरल रोल्स हैव बीन इंटेंसिवली रिवाइज। जो फाइनल चुनावी रोल्स हैं, इलेक्टोरल रोल्स हैं, उनको बहुत सघन रूप से रिवाइज किया गया, थ्रू हाउस टू हाउस, घर घर। अब घर घर में गणना होगी ना भाई, स्वाभाविक सी बात है इन्वेस्टिगेशन तो होगा नहीं। और इनन्सिएशन का मतलब होता है प्रतिज्ञान करना, सूचित करना, ये भी नहीं होगा। और इन्यूमरेशन मतलब होता है परिगणना यानी गिनती, और डॉक्यूमेंटेशन यहां दस्तावेज की तो बात है नहीं। अच्छा ये बताइए, क्वेश्चन में मजा आ रहा है कि नहीं? क्यों शैलजा जी, जन्माष्टमी आपके यहाँ आज ही है? क्योंकि बांदा में एक दिन पहले भी हो सकती है। बांदा में दशहरा भाई बड़ा लंबा चलता है, 4-5 दिन चलता है। द राइट आंसर इज सी। यस, थैंक यू। रवि हैड टू ड्रॉप हिज प्लान ऑफ गोइंग टू पिकनिक एज ही हैड सर्टेन टू मीट ड्यूरिंग दैट पीरियड। मैं आपसे दावे से कह रहा हूं कि अगर आप ये क्वेश्चंस तैयार कर लेंगे ना, तो फिर लैंग्वेज में कहीं से कुछ भी आए, आप क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता है। रवि हैड टू ड्रॉप हिज प्लान ऑफ गोइंग टू पिकनिक एज ही हैड सर्टेन प्रिपरेशंस, ऑब्जर्वेशंस, अर्जेंसीज, कमिटमेंट्स। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले हम अर्थ बता दें थोड़ा। प्रिपरेशन मतलब होता है तैयारी, ठीक है। ऑब्जर्वेशन पर्यवेक्षण होता है, जैसे कहते हैं ऑब्जर्व करना। अर्जेंसीज यानी अत्यावश्यकता, और कमिटमेंट्स का मतलब कहते ना कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो अपने आप की भी नहीं सुनता, उत्तरदायित्व, हमारा दायित्व जो होता है। द राइट आंसर इज डी। यहां पर ज्यादातर लोग सी लगाएंगे। अभी स्क्रीन में आप देख लीजिए, नीरज गंगवार साहब, सीमा जी, है ना, सी क्यों लगाएंगे? क्योंकि इनको लगता है ना कि अर्जेंट से ज्यादा तो कुछ होता ही नहीं है। अरे भाई क्वेश्चन का नेचर पढ़ो ना, मैं हिंदी बता रहा हूं। रवि हैड टू ड्रॉप हिज प्लान ऑफ गोइंग टू पिकनिक। रवि को पिकनिक जाने का प्लान त्यागना पड़ा, एज चूंकि ही हैड सर्टेन, अब अर्जेंसीज बोलोगे कि कमिटमेंट्स, टू मीट ड्यूरिंग दैट पीरियड। जैसे मान लीजिए कि हमने, आपने बोला कि गुरु जी आज छुट्टी है पिकनिक चलिए, और मैंने आज बोल दिया, ध्यान से समझना, मैंने आज बोल दिया कि भाई आज 10 PM में, मैंने अपने विद्यार्थियों को मैसेज कर दिया कि 10 AM, PM गलती से एक बार हो गया था, 10 AM में क्लास होगी। तो ये मैंने आपसे क्या किया, कमिटमेंट किया ना। तो रवि ने उस पीरियड में मिलने का, टू मीट मिलने का कमिटमेंट कर रखा है। कमिटमेंट यानी कि किसी से वायदा कर रखा है, तो पक्की बात हो गई कि यहां पर अर्जेंसीज नहीं आएगा। वो केवल कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया। समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड? यस और नो में जवाब चाहिए। मजा तभी आएगा जब आप कहोगे यस गुरुजी, अब समझ में आया, अब गलत नहीं होगा, बस एक बार रिवीजन की जरूरत रहेगी। यस
चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसिस द मीनिंग ऑफ द ईडियम और फ्रेज। ध्यान रखना है कि यहां क्वेश्चन किससे है, ईडियम और फ्रेज से है। ही न्यू सी वॉज डेड बट वॉज कंप्लीटली एट सी अबाउट द कॉज ऑफ हर डेथ। आपके सामने जो ईडियम है वो है एट सी। क्या है? एट सी। अनएक्सस, कंफ्यूज, इग्नोरेंट, सर्टिन आर अल्टरनेटिव्स। एंड मुकेश रंजन जी भी हैं, बहुत अच्छे जी। अनाउंसमेंट जरूर पढ़ लिया करिए, वहां पर सारे मैसेज मिल जाते हैं। अनाउंसमेंट का मतलब नोटिस बोर्ड, जैसे आप स्कूल कॉलेज में होते हैं ना, तो एक नोटिस बोर्ड लगा होता है। भाई एट सी का मतलब होता है कंफ्यूज्ड, जब आदमी एकदम घबरा जाए, समझ में आए कि क्या करना है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। द राइट आंसर इज बी। सतीश चंद्रा जी एंड शैलजा सिंह जी, सभी का आंसर राइट बी आ रहा है। हिज मोस्ट ट्रस्टेड फ्रेंड प्रूव्ड टू बी अ स्नेक इन ग्रास, कावर्डली एंड ब्रूटल एंड अनरिलायबल एंड डिसीटफुल पर्सन, अ हिडन एनिमी, लो एंड मीन। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा नया नहीं है, ठीक है, ओल्ड क्वेश्चन है, लेकिन इसके अल्टरनेटिव्स ऐसे दिए गए हैं, अगर कंफ्यूज ना कोई हो, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता कि कंफ्यूजन ना हो। अगर आप कंफ्यूज नहीं होगा, इसका हो रहे हैं, इसका मतलब आप एकदम सुलझे हुए व्यक्ति हैं। देखिए, स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है, कोई ना कोई तो कंफ्यूज होगा, मुझे पता है सावित्री जी हो सकती हैं। ऐसा व्यक्ति जो शत्रु हो लेकिन छिपा हुआ हो, अ हिडन एनिमी इज द राइट आंसर। एन अनरिलायबल, अविश्वसनीय और धोखेबाज व्यक्ति, ये नियरेस्ट है बट एग्जैक्टली राइट आंसर नहीं है। समझ आया? और मैंने कहा था कि इसमें कुछ लोग कंफ्यूज होंगे और हुए, और ऐसे लोग हुए हैं जिनसे उम्मीद नहीं थी, जैसे सावित्री जी हो गई, आपके कानपुर घाटमपुर से प्रवीण जी हो गए, है ना। तो अब नहीं कंफ्यूज होना, ठीक है, एक बार कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि दोबारा भी प्रैक्टिस मॉक टेस्ट में भले क्वेश्चन टकरा जाए, नहीं तो अब मिलेगा नहीं, ये पक्की बात सुन लीजिए। रिवीजन करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट वॉज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दैट द पुलिस वॉज एबल टू ले द थीफ बाय द हील्स, रन फास्ट आफ्टर, प्ले ट्रिक्स ऑन चेज एंड कैप्चर अरेस्ट। दिमाग लगाना लेकिन थोड़ा सेंस के साथ। हाँ, जब सेंटेंस रहता है तो भाई कॉमन सेंस भी आपका अच्छा चलता है, तगड़ा। भाई टू ले बाय द हील्स का मतलब सीधा सीधा होता है, किसी का पीछा करना और पकड़ना। चेज एंड कैप्चर, द राइट आंसर इज सी। देखो कितने लोग ने हील पकड़ा तो मतलब ए मार दिया। मुकेश जी हो गए, नीरज जी हो गए, है ना, प्रभा शंकर जी हैं। अच्छा, ये बात है। मतलब आपका आगमन घाटमपुर से बांदा हो गया, अच्छी बात, तभी आपको कानपुर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ भाई, ये बात तो है, कानपुर के लोगों से हम बातें करने में हार जाते हैं, मेरी भी कुछ रिलेशंस हैं कानपुर में। तो ये सी वाले हमारे साथी राइट हैं। नन ऑफ दिस, हैंकी पैंकी प्लीज टेल, टॉक स्ट्रेट, इंडिफरेंस, जगलरी, डाइवर्सिफिकेशन, ऑब्सेशन। हैंकी पैंकी,
जी इस समय आपकी क्लास ब्रॉडकास्ट की जा रही है संगम नगरी प्रयागराज से, और आप आपस में कम से कम ये रहता है कि हमारे कौन कौन से विद्यार्थी कहाँ से हैं, तो एक कंपटीशन की फीलिंग आती है कभी कभी। तो मैं कह देता हूँ कि देखो यहाँ वाले जीत रहे हैं ना, उसमें नेगेटिव नहीं उसको पॉजिटिव भी मिलना है। अच्छा हैंकी पैंकी क्या होता है, थोड़ा दिमाग लगाना है और आंसर करना है। धोखेबाजी होती है, ठीक है। द राइट आंसर इज जगलरी, कहते हैं बड़ा जगलर है। अभी मैं आपको बुक भेजूंगा तो उसमें मेरा एड्रेस रहेगा, एकदम फुल एड्रेस रहेगा, और हमारे कुछ विद्यार्थी तो उसी एड्रेस पे हमको रिटर्न गिफ्ट भी सेंड कर देते हैं। देखिए नेटिव डिस्ट्रिक्ट तो मेरा भाई बुंदेलखंड रीजन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द न्यू सीएम स्टक हिज नेक आउट टुडे एंड प्रोमिस्ड 10 किलोग्राम्स फ्री वीट अ मंथ फॉर ऑल रूरल फैमिलीज। लेकिन अब मेरा आधार कार्ड प्रयागराज के नाम से है तो भाई 15 नंबर में आंसर करेंगे प्रयागराज। फटाफट आंसर करिए, स्टक हिज नेक आउट का मतलब क्या है? काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, 15 नंबर। ये 16 का आंसर कैसे आ गया नीरज जी? अभी तो 15 चल रहा है। द न्यू सीएम स्टक हिज नेक आउट, दिमाग बिल्कुल सही वाला लगाना है। इसका मतलब होता है खतरा लेना। देखो कितना गलत कर रहे हैं लोग, टुक अ रिस्क। अच्छा मैं जानता हूं कि आपने गलत क्यों किया है, क्योंकि आपको लगा कि नए जो चीफ मिनिस्टर हैं सीएम हैं उन्होंने प्रॉमिस किया है 10 किलोग्राम फ्री व्हीट यानी गेहूं देने का आ मंथ फॉर ऑल रूरल फैमिलीज, तो आपको लगा कि एक्सटेंडेड हेल्प, एक्सटेंड मतलब आपको लगा बढ़ाना, सहायता दी गई है ना, यही दिमाग लगाया होगा क्यों? इसीलिए ईडीएम में सीधा लिटरल मीनिंग मत लगाया करिए स्टिक हिज नेक आउट का मतलब होता है अपना गर्दन फंसा देना, खतरा ले लेना, टुक अ रिस्क। आइए लिटरेचर की ओर चलते हैं और सीधे हमारे साथी आंसर करेंगे। द क्वेश्चन इज बिफोर यू, हुम डिड मिल्टन कंसीडर हिज मास्टर? सुपरहिट क्वेश्चन, परीक्षा में सीधे टकराएगा। एंड द राइट आंसर इज, आप सभी को याद होना चाहिए, एडमंड स्पेंसर इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। बिल्कुल सही जवाब, देखिए लिटरेचर में एकदम दनादन लगा रहे हैं। हु सैड मिल्टन वॉज द पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर? ये बेहतरीन बात किसने कही है? मिल्टन वॉज द पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर, ये स्टेटमेंट है माय डियर जॉन ड्राइडन का, ऑप्शन ए। बहुत अच्छा जवाब अजय जी, सीमा जी एंड अदर्स, ड्राइडन इज द राइट आंसर, शाबाश। नेक्स्ट, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम हाउ सून हैज टाइम द सटल थीप ऑफ यूथ ही स्टोलन ऑन हिज विंग माई थ्री एंड 20th ईयर ऑन हिज बींग अराइव टू द एज ऑफ 23 ऑन हिज ब्लाइंडनेस मैस्करेट पेडमोंट लिसिडस। क्वेश्चन नंबर 18 में भी हमारे साथी बहुत ही अच्छे आंसर कर रहे हैं। ए इज द राइट आंसर। इन विच सोनेट ऑफ मिल्टन डज द फॉलोइंग लाइन अकर्स?
दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। बहुत ही ध्यान से जवाब करना। और इंटरमीडिएट में तो ये ऑन इज ब्लाइंडनेस पढ़ा ही गया था। क्यों? इट मीन्स बिफोर, याद आया होगा। नेक्स्ट, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम फेम इज द एस्पर दैट द क्लियर स्पिरिट डथ रेज टू स्कॉर्न डिलाइट्स एंड लिव लेबोरियस। लाइट ब्लू कलर में आपको जो दिख रहा है, ये लाइन कहां से ली गई है? हाँ, ग्रीन का ब्लू हो जाएगा, इसकी चिंता ना करिए। तो 20 नंबर में माय डियर मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है। देखने वाली बात यह है कि जितने भी साथी हमारे लिसिडस यानी कि बी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, क्या वो सही है, ये देखने की जरूरत है। बताएंगे सभी प्यारे साथी, बताएंगे। क्वेश्चन को ध्यान दो, थीम इज द एस्पर, और यहां पर ये लिसिडस वाले हमारे साथी जो भी हैं राइट मेजॉरिटी। इन हिज सॉनेट मी थॉट आई सॉ माई लेट स्पाउज सेंट मिल्टन सेलिब्रेट्स हिज। क्वेश्चन नंबर 20, द राइट आंसर इज सेकेंड वाइफ। एंड नाउ द क्वेश्चन फॉर यू इज दिट, वॉट वॉज द नेम ऑफ सेकेंड वाइफ? सेकेंड वाइफ का नेम आप कॉमेंट बॉक्स में बताइए। इन विच पोइम मिल्टन हैज गिवन हिज व्यूज ऑन पोएट्री? इस क्वेश्चन को मेरी नजर से आप इंपॉर्टेंट लगा दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो पोएट्री पर मिल्टन के विचार हैं वो कहां मिलते हैं? द राइट आंसर इज लिसिडस 1637। काफी अच्छे आंसर्स आ रहे हैं। द मीनिंग ऑफ एल एलेग्रो इज, इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट लगा दें। हालांकि क्वेश्चन आ चुका है टीजीटी में, मे बी रिपीटेड, पेपर सेटिंग हमको नहीं मिल सकती है, ये तो पक्की बात है। लेकिन ये भी पक्का है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कहीं बाहर से नहीं आएगा। अच्छा, कई बार विद्यार्थियों के मन में ये बड़ा सवाल होता है, कहीं ऐसा ना हो कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सब ना आए, दूसरा आ जाए। अगर ऐसा है तो ये भी एक प्रकार का फोबिया होता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि पिछले चार पेपर उठा के देख लो, जब उसमें सब वही आया है जो आप पढ़ रहे हो, जो आप पढ़े हो, कितना नया आ जाएगा? 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं आएगा। 100 क्वेश्चन वो आएगा, 100 जो आपका पढ़ने वालों का पढ़ा हुआ होगा। बताएंगे सभी साथी, एल एलेग्रो का मीनिंग क्या होता है? खुश यानी कि हैप्पी, हैप्पी और चीयरफुल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तेजी से जवाब करेंगे, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, द मीनिंग ऑफ एल पेंसरेसो इज, पेंसर उसे याद रखना, उदास निराश है ना, तो अब भूलने का सवाल नहीं है। द राइट आंसर इज इल एंड पेंसिव मैन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नीरज जी, मुकेश जी, प्रभा शंकर जी राइट, सावित्री जी। द टाइटल ऑफ एल एलेग्रो एंड इल पेंसरेसो आर टेकन फ्रॉम, इंपॉर्टेंट लगा देना इस क्वेश्चन को। सबसे पहले काम, पहला काम इंपॉर्टेंट लगा दो। एंड द राइट आंसर इज यस म्यूजिकोलॉजी, म्यूजिकोलॉजी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हु सेड अबाउट मिल्टन, दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एंशियंट टू। 26,
और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। द राइट आंसर इज जॉन ड्राइडन। वेल डन। विच पोइम ऑफ जॉन मिल्टन आर फुल ऑफ एलिजाबेथन स्पिरिट, जॉयस इन नेचर। जिन साथियों ने टेलीग्राम ग्रुप नहीं अभी ज्वाइन किया है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक टच करके ज्वाइन कर लें, अगर नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो व्हाट्सएप में अपना नंबर भेजें, नेम और पेमेंट स्लिप भाई डाउनलोड करके रख लेना सभी लोग, है ना। कभी पेमेंट स्लिप मांगी जाए तो उसको भी आप दे सकते हैं, वो आपके एप्लीकेशन में शो होगी, डाउनलोड पेमेंट रिसीव्ड। विच पोइम ऑफ जॉन मिल्टन आर फुल ऑफ एलिजाबेथन स्पिरिट, जॉयस नेचर। वो हार्टन पोइम्स थी, हार्टन पोइम्स इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। विच वन ऑफ दीज डेस्क्राइब्ड मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट एज द ड्रीम ऑफ अ प्योरिटन फॉलन असलीप ओवर हिज बाइबल। अब ये क्वेश्चन कोई छोटे मोटे लेवल का नहीं है, याद रखना। हाँ, एकदम नेट लेवल तक का क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दो। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, लेमर्टिन। लेमर्टिन इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। एंड क्वेश्चन नंबर 26, अरोपगीतिका इज ऑल अबाउट। टीजीटी 2013 में क्वेश्चन आया था। देखो जो आपके एग्जाम हुए हैं टीजीटी के अभी पिछले एक दशक में, 1/11 ये बहुत लेट हुआ था, मतलब पहले मुझे लग रहा 13 वाला हो गया था, इसके बाद एक एग्जाम 13 का हो गया, इसके बाद 16 में हुआ, फिर 21 में हुआ, चार एग्जाम केवल हुए हैं एक दशक में, ठीक है। अभी 22 का एग्जाम हुआ नहीं है, अब ये 2023 में हो जाए तो बड़े भाग्य हैं, नहीं तो 24 में जा सकता है, ठीक है, जिसके लिए आप लगे हुए हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस। अच्छा, कुछ लोगों की तैयारी न्यूज़पेपर की कटिंग से चलती है, अगर उसमें आ जाएगा कि परीक्षा होने वाली है तो पढ़ना शुरू कर देंगे, अगर उसमें आया कि अभी नहीं होगी या कुछ यूट्यूबर बताया कि अभी इस साल नहीं होगी तो पढ़ना बंद कर देंगे, ऐसे लोगों का भविष्य अंधकार में होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। पढ़ाई आप कंटिन्यू रखो, ये बात ध्यान दो, पेपर भले ही 4 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो, कि उनके लिए बोल रहा हूँ जिन्हें इसी बार में फाइनल करना है बिना जीएस पढ़े, क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते हैं, जब कोई नहीं पढ़ रहा होता है पढ़ने वाला, और जब आप पढ़ रहे होते हैं उसी समय आप 2 क्वेश्चन आगे निकल चुके होते हैं और वो पीछे रह करके बस नेक्स्ट टाइम की तैयारी में लग चुके होते हैं। एंड व्हाट इज मिल्टन रोट हिज ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। दुनिया कुछ भी कहे पढ़ते रहो, पढ़ना बंद मत करो, बस तेरी से जवाब करना है माय डियर। एंड द राइट आंसर इज 21, बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल।